मेरे केंद्रीय नेतृत्व ने और सभी भाजपा के कार्यकर्ताओं ने मेरा साथ दिया, उसके लिए मैं बिहार के प्रत्येक कार्यकर्ता को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। केंद्रीय नेतृत्व को भी आभार व्यक्त करता हूँ कि आगामी 3 वर्ष तक जो जिला के अध्यक्ष रहेंगे उन सब में भी मुझसे राय ली गई, उसके लिए उनका भी आभार है। और सोमवार को 27 तारीख को 10 बजे की फ्लाइट से माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री सम्राट चौधरी जी का आगमन होने जा रहा है। 11 बजे हम सब मिलकर के पटना के एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करेंगे और एक भव्य जुलूस के द्वारा माननीय प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी को हम प्रदेश कार्यालय लाएंगे। प्रदेश कार्यालय में उस दिन उनका अभिनंदन समारोह होगा और यह कार्यक्रम 11 बजे से लेकर 2 बजे तक चलेगा। आप सब मीडिया के बंधु भी इसमें आमंत्रित हैं और सभी मीडिया के बंधुओं का भी मैं धन्यवाद देता हूं कि विगत 3 वर्षों में जब भी मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ आप सभी ने बहुत ही बढ़िया से कवर भी किया और मेरी बातों को बहुत अच्छे से समाज तक पहुंचाया, उसके लिए आप सबको भी बहुत बहुत आभार और अभिनंदन। निर्वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष तो सभी जगह रहता है, तो निर्वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष तो मैं हूँ ही और उसके साथ बिहार की जो भी समस्याएं हैं उसमें हर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष का मुझे भी समर्थन मिला। अगर मैं सबसे ज़्यादा मुझे किसी का समर्थन मिला तो माननीय नित्यानंद राय जी का मिला, जिनके बदले मैं हुआ था। और सम्राट जी को भी हर कदम पर हम सब साथ देंगे। भाजपा की खूबसूरती यही है कि जो भी प्रदेश अध्यक्ष अथवा जिला अध्यक्ष बनते हैं उनके पीछे उनके सभी पूर्व प्रदेश अध्यक्षों की शक्ति और सामर्थ्य रहता है। मुझे भी उसका लगातार सामर्थ्य मिला है। भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, जिस तरह से अभी बिजली का रेट बढ़ा दिया गया, जिस तरह से केवल आश्वासन दिया जा रहा है कि हम नौकरी देंगे, दिया नहीं जा रहा है, जिस तरह से शिक्षकों को धोखा दिया गया कि हम संविधान पर आधारित संविधान खत्म करेंगे और हर शिक्षक को एक समान वेतन देंगे, आज 10 महीने बीतने के बाद भी इन सब चीज़ों पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। तो बिजली से लेकर रोजगार तक में भाजपा की जो चुनौतियां हैं उसमें माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का जो भी निर्देश होगा एक निर्वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष के नाते मैं पूरे तौर पे साथ हूं। तेजस्वी यादव से दिल्ली का पूछताछ है, विरोध मार्च निकाला है विधानसभा तक, पैदल मार्च, दोनों गठबंधन के नेता शामिल, लेकिन जेडीयू के कोई विधायक नजर नहीं है। कोर्ट अगर किसी को भी सजा देती है तो आपके पास अपील की व्यवस्था है। कोर्ट की सजा में, कोर्ट के निर्णयों में इस तरह से करना, कोर्ट को कहीं भी कवर करना, आपकी भी 10 साल की सरकार थी, आपने उस समय